प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ अभियान को गति देते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आलोक शर्मा ने पुलिस कार्यालय में सफाई अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस के अन्य कर्मियों के साथ पूरे परिसर की सफाई की। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर हथियार और शराब के साथ 6 अपराधी और 8 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वीरपुर थाना क्षेत्र के बड़हरा में अपराध की योजना बनाते आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार विकास नाम के आरोपी पर कई जघन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके 4 अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 3 देसी कट्टा, 8 जिंदा गोली, कुछ मोबाइल्स और एक लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और निचले इलाकों में हो रही ओलावृष्टि से रामपुर के किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रुक रुक कर हो रही बारिश से गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। बिहार के बेगूसराय में शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू कुमार को अंतिम विदाई दी गई। इस बीच जब शहीद का पार्थिव शरीर बेगूसराय पहुंचा तो लोगों की काफी भीड़ उनके निवास पर उमड़ पड़ी। बेगूसराय के लोगों ने पाकिस्तान के प्रति गुस्सा व्यक्त किया और जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं शहीद के भाई ने प्रधानमंत्री मोदी से शहीद के शहादत का बदला लेने की भी मांग की। यूपी के एटा में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार महिला की हत्या महिला के दुष्कर्म के विरोध करने पर की गई थी और इस वारदात को मृतका के प्रेमी और जीजा ने अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार दुष्कर्म की कोशिश के दौरान मृतका का मुंह बंद किया गया, जिससे उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। यूपी के हरदोई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संकल्प रैली निकाली। साथ ही इस रैली में विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी का जोश भी देखने को मिला। इस रैली में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस बाइक रैली को बीजेपी जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर पुलिस के साथ पीएसए कार्यालय पर छापेमारी की और एसडीएम से संबंधित अभिलेखों को जब्त कर लिया। छापेमारी की जानकारी मिलते ही बीएसए कार्यालय में हड़कंप मच गया। कश्मीर के गुलमर्ग में इन दिनों गैस सिलेंडर कमी से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। यूपी के रामपुर में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रही महिला कांवड़ियों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला कांवड़िए की मौत हो गई है। महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा किया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मामले को शांत करवाया।